बच्चों, आज मैं तुम्हें एक बाल कथा सुना रही हूँ जिसका शीर्षक है नया सरपंच। किसी जंगल में एक कबीला था। कबीले के लोग शिकार करके अपनी भूख मिटाते थे। उसी बस्ती के सरपंच के पास दीनू नाम का एक अनाथ लड़का रहता था। जब फुर्सत मिलती तो दीनू जंगल में सैर करने चल पड़ता। बस्ती के पास वाले जंगल का वातावरण हर समय पके फलों और फूलों की सुगंध से महकता रहता था। रंग बिरंगे पक्षी शाखों पर चहचहाया करते थे। दीनू को पक्षियों का सुरीला स्वर बहुत अच्छा लगता था। वह पैरों तक जंगल में बैठा उनकी मीठी बोली सुनता रहता था। बस्ती वाले जंगल में जाल फैलाकर पशु पक्षियों को पकड़ा करते थे। यह बात दीनू को बहुत बुरी लगती थी। वह सोचता, वन के इतने मीठे फल यूं ही व्यर्थ चले जाते हैं। यदि हम लोग फल खाने लगे तो बेचारे पशु पक्षियों की जान बच जाए। पर उसकी सलाह भला कौन मानने वाला था। कबीले वालों की शिकार करने की बुरी आदत के कारण वन में पशु पक्षियों की संख्या तेजी से घटने लगी। कबीले वाले चिंता में पड़ गए, पर दीनू खुश था। दुख था तो केवल इतना कि अब वन पक्षियों की सुरीली बोली से नहीं गूंजता था। एक दिन सरपंच ने दीनू से कहा, जंगल में जाकर जाल में फंसे पक्षियों को दबोच लाओ, देखना कोई बचकर उड़ ना सके। सरपंच का आदेश ठहरा। दीनू जंगल में पहुंचा। उसने देखा सारे फंदे और जाल खाली पड़े थे। बस एक जाल में रंगीन पंखों वाला एक पक्षी फंसा छटपटा रहा था। दीनू थोड़ी देर उसकी छटपटाहट देखता रहा, फिर जाल के पास गया तो पक्षी बोला, मित्र, तुम मुझे आजाद कर दोगे तो मैं तुम्हें ऐसा पुरस्कार दूंगा कि तुम निहाल हो जाओगे। मुझे तो पुरस्कार की लालसा नहीं है, दीनू बोला, मैं तो तुम्हें स्वयं ही आजाद करने की सोच रहा था। उसने जाल खोलकर पक्षी को उड़ा दिया। रंगीन पंखों वाला पक्षी दीनू के ऊपर उड़ता हुआ खुशी से चहचहाने लगा। वैसा सुरीला गीत दीनू ने पहली बार सुना था। वह प्रसन्न होता हुआ बस्ती में आ गया। सरपंच ने उसे बीते हाथ आते देखा तो नाराज हो गया। उसके पूछने पर दीनू ने बताया, जाल में फंसे पक्षी पर मुझे दया आ गई, मैंने उसे उड़ा दिया। सरपंच के आदेश का उल्लंघन करना गंभीर अपराध था। उसी समय पंचायत हुई। सरपंच बोला, दीनू को पशु पक्षियों से ममता हो गई है, इसलिए हम इसे उन्हीं पक्षियों के बीच छोड़ देंगे, वे इसे चट कर जाएंगे एक ही दिन में। सरपंच का विरोध कौन करता, और दीनू का अपना तो कोई था ही नहीं सो उसका पक्ष लेता। कबीले वाले दीनू को जंगल में ले गए। उसे एक जगह बैठा कर चारों तरफ कांटेदार झाड़ियों का पिंजरा बना दिया। फिर उस पर गीली मिट्टी लगाकर बंद कर दिया। दीनू की जीवित ही समाधि बन गई। उसे रोता कलपता छोड़ लोग चलते बने। अचानक दीनू ने एक सुरीला स्वर सुना, फिर पंखों की फड़फड़ाहट हुई। कुछ देर बाद मिट्टी में छेद हो गया और एक मीठा फल भीतर आ पड़ा। फिर पंछी का स्वर सुनाई दिया, मित्र दुखी मत हो, यह फल खा लो। दीनू ने फल खा लिया। वैसा जायकेदार फल उसने जिंदगी में पहली बार खाया था। फल खाते ही उसकी थकावट जाती रही। घबराहट, भय और चिंता दूर हो गई। वह पक्षी दिन भर अपनी चोंच से कांटेदार झाड़ियों पर लगी मिट्टी में छेद करके मीठे मीठे फल गिराता रहा। साथ ही सुरीले स्वर में चहचहाता भी जाता था। 4-5 दिन में मिट्टी जगह जगह से हट गई। अब दीनू कांटेदार झाड़ियों को तोड़कर बाहर निकल आया। पता नहीं उन फलों में क्या करिश्मा था। वह अपने तन मन में नई ताकत महसूस कर रहा था। थोड़ी देर में दीनू बस्ती में जा पहुंचा। उसे देखते ही पूरी बस्ती में खलबली मच गई। दीनू आ गया, देखो भाई दीनू आ गया, जीता जागता दीनू आया है, इसको तो वन देवता ने माफ कर दिया।
यह तो मौत की चुंगल से लौट आया। सरपंच ने भी यह चमत्कार मान लिया। कहने लगा, दिनू भी देवता बन गया है। लोग कहने लगे, अब यही हमारा नया सरपंच है। हम तुम्हें पद से हटाते हैं। सारे कबीले के लोग दिनू से प्रभावित थे। इस प्रकार दिनू सबसे छोटी आयु में कबीले का सरपंच बन गया था। पशु पक्षियों पर दया करने के कारण सरपंच बनते ही उसने पशु पक्षियों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। बस्ती के लोग वन में पैदा होने वाले फलों को खाने लगे। धीरे धीरे उन्होंने अन्न उपजाना भी सीख लिया। जो वन उजड़ने लगा था, पशु पक्षियों के बिना सुनसान रहने लगा था, अब फिर से सुरीले स्वरों में गूंजने लगा। पशु पक्षी भी प्रसन्नता के मारे कर्ण प्रिय स्वर में चहचहाने लगे थे।